आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ The question is write a short note on the communicable disease which leads to the damage of liver. तो एक शॉर्ट नोट लिखना है उस कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए जिससे क्या होगी हमारी liver डैमेज होगी जो disease लीवर को डैमेज कर सकती है तो सबसे पहले कम्युनिकेबल डिजीज की बात करें तो ये वो डिजीज हैं जो कि इजिली स्प्रेड हो जाती हैं फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन तो डिजीज को हम आइडेंटिफाई करें तो ये डिजीज होगी हमारी हेपेटाइटिस डिजीज हेपेटाइटिस सीरियस कम्युनिकेबल डिजीज विच डैमेज लीवर अब डिफरेंट टाइप के हेपेटाइटिस होंगे हेपेटाइटिस ए भी होगा बी होगा सी डी एन जी तो हेपेटाइटिस बी है वो ज्यादा डेंजरस होगा कैन बी फेटल आल्सो ये जो डिजीज है ये चिल्ड्रंस को भी हो सकती है यंग एडल्ट्स को भी हो सकती है और डिजीज क्या है एक वायरल डिजीज का एग्जांपल है मतलब यहाँ पर जो कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होगा वो एक वायरस होगा ओके जैसे कि हेपेटाइटिस ए के लिए हमारा हेपेटाइटिस ए वायरस रिस्पॉन्सिबल है अब इस डिजीज के कुछ सिम्टम्स देखें हाई फीवर द पर्सन suffers फ्रॉम हाई फीवर हेडेक एंड ज्वाइंट पेन और क्या हो सकता है ज्वाइंट पेन ये कुछ इस डिजीज के सिम्टम है ओके okay. uh, और हम ले तो रेशेस, वीकनेस भी फील होगी एंड लोस ऑफ एपिटाइट आर ऑल्सो दिमटम्स और इससे हमें जॉन्डिस भी हो सकता है अब जॉन्डिस के क्या सिम्टम होंगे जॉन्डिस का क्या मतलब है कि हमारी जो बॉडी है वो येल्लो हो जाएगी जो नेल्स है आईज है उनका कलर कैसा हो जाएगा येल्लो हो जाएगा तो वॉमिटिंग डार्क यूरिन आर ऑब्जॉर्ब अब ये जो फूड है तो सॉरी अब ये जो डिजीज है वो ट्रांसमिट कैसे होती है कंटामिनेटेड फूड के द्वारा इट इज ट्रांसमेटेड बाय कंटामिनेटेड फूड वाटर, मिल्क उसके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा अगर हम कंटामिनेटेड ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करेंगे तो भी ये जो डिजीज है वो स्प्रेड हो सकती है यूज ऑफ कंटामिनेटेड सिरिंज कंटामिनेटेड सिरिंज का यूज करेंगे तो भी ये डिजीज जो है वो ट्रांसमिट हो सकती है अब प्रिवेंटिव मेजर देखें रोकेंगे कैसे वॉशिंग हैंड वॉशिंग हैंड्स बिफोर ईटिंग एंड गोइंग टू टॉयलेट बिफोर ईटिंग एंड आफ्टर गोइंग टू टॉयलेट्स तो क्लीनिनस का हमें ध्यान रखना है टेकिंग वैक्सीन वैक्सीन एक बहुत अच्छा तरीका है किसी भी डिजीज को रोकने का तो वैक्सीनेशन के द्वारा हम डिजीज के स्प्रेड को रोक सकते हैं और हैविंग न्यूट्रिशियस मतलब जो डाइट होगी हमारी वो अच्छी होगी जंक फूड वगैरह हम नहीं लेंगे एंड प्रोटीन रिच डाइट ओके थैंक यू क्लास सिक्स से ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेटा या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर